मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ना मेरी प्राथमिकता रहेगी, ये कहना है भारतीय मजदूर संघ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा का। भारतीय मजदूर संघ के दो दिवसीय त्रिवासिक अधिवेशन के दौरान नई प्रदेश कार्यकारिणी के चयन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए शर्मा ने कहा कि न्यूनतम वेतन लागू करवाना, आंगनबाड़ी, सिलाई कढ़ाई, मिड डे मील और आशा वर्करों की समस्या को उठाना और उनको हल करवाना उनका प्रमुख दायित्व है। अगर सरकार उनकी मांगों को मानती है तो ठीक है, नहीं तो कर्मचारियों के हक में आंदोलन भी करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि न्यूनतम वेतन कम से कम 18,000 होना चाहिए, वहीं आशा वर्कर, मिड डे मील और आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति का गठन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार और भारतीय मजदूर संघ समविचारिक हैं, लेकिन जब वो हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो अपने अधिकार के लिए जो संभव होगा वो किया जाएगा। नई कार्यकारिणी में जहां राकेश शर्मा प्रदेश अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष मदन राणा, रमेश राणा, डीसी शर्मा, जयंती दुग्गल, मोहन ठाकुर को मनोनीत किया गया, वहीं मंगतराम नेगी को संघ का महामंत्री और अमीचंद डोगरा को वित्त सचिव नियुक्त किया गया। दो दिवसीय इस प्रदेश स्तरीय अधिवेशन में और प्रदेश कार्यकारिणी के चयन के दौरान भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सी के संजी नारायण, उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री एवं प्रभारी रामदास पांडे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जगदीश जोशी भी मौजूद रहे। क्या प्राथमिकता रहेंगी आपका संघ उसको मजबूत करने के लिए? देखिए, इसमें हम सबसे पहले जो मजदूरों की समस्या है, जैसे न्यूनतम वेतन लागू कराना, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, सिलाई कटाई, आशा वर्कर की जो समस्या है उसको प्राथमिकता के आधार पर सरकार के समक्ष रखेंगे। सरकार मानने की ठीक है, नहीं तो हम अपना जो ट्रेड यूनियन का काम है वो करेंगे, उसके लिए आंदोलन भी होगा। आपको क्या लगता है कैसी कौन सी समस्याएं हैं जो ज्वलंत मुद्दा है इस वक्त? ज्वलंत मुद्दा वर्तमान में जैसे न्यूनतम वेतन का है, हमारी मांग है कम से कम 18,000 रुपया होना चाहिए। आशा वर्कर, मिड डे मील, आंगनबाड़ी के लिए योजना बननी चाहिए, कोई स्कीम बननी चाहिए, सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए नहीं, और उनको भी जब तक सरकारी कर्मचारी घोषणा किया जाता है उनको न्यूनतम वेतन दिया जाए, जो 1200-1500 की रीत है यह खत्म होनी चाहिए। तो प्रदेश में भी इस वक्त भाजपा की सरकार, आपका संगठन भी भाजपा का एक बिंग माना जाता है, तो आपको उम्मीद करते हैं कि जो सरकार है आपकी मांगों पर तवज्जो देगी? ऐसा नहीं है, सरकार समविचारक है, हम इससे सहमत है, परंतु विषय के ऊपर विचारक मतभेद हो सकते हैं, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। विवाद तो भाई भाई में होता है, अगर वो हमारी बात को एक भाई की तरह नहीं मानेंगे तो अपना राइट लेने के लिए जो भी संभव होगा वो करें।